डियर स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ इस लेसन नंबर 4 का, जो बर्ड फ्लाइंग वंडर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो बर्ड है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। कितने पार्ट्स होते हैं उसके? सबसे पहले तो उसका हेड है, उसके बाद बीक है, उसके बाद उसकी वो विंग्स है, फेदर्स हैं, उसके वो क्लॉज हैं, फीट हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बीक्स के बारे में। हमने पिछले बार पढ़ा कि जो बर्ड है उसकी उसके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं ताकि वो हल्का हो और उड़ सके। तो वैसे ही उनकी जो बीक्स होती हैं, हर मतलब मुख्तलिफ बर्ड्स में मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एक ही किस्म की नहीं होती हैं। ये डिपेंड करता है उनके खाने पे कि वो कौन से किस्म का खाना खाते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट एंड हार्ड बीक। मतलब कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी चोंच जो होती है वो छोटी होती है और सख्त होती है। हेल्प बर्ड टू क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स। जो शॉर्ट और हार्ड बीक होती है वो उन परिंदों को बीजों को तोड़ने में और नट्स, जैसे वॉलनट है या दूसरे कोई किस्म का नट है, तो उनको तोड़ने में, उनका छिलका निकाल के अंदर से जो बीज है वो खाने में हेल्प करते हैं। ये स्पैरो में पाए जाते हैं और पिजन में, जो सीड ईटिंग बर्ड्स हैं। उसके बाद में नंबर 2, स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक। मतलब मजबूत, तेज आगे से और हुक टाइप की बीक। ये बीक जो होती है वो बर्ड्स को उनका जो शिकार होता है, जो जिसे वो फीड करते हैं, उसे पकड़ने में और उसका जो फ्लैश है वो टियर मतलब काटने मतलब खाने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा ओल है, ईगल है, ये क्या फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, ये उन्हें फ्लैश टियर करने में हेल्प करती है, जो हुक शेप भी होती है उनके। और उसके बाद है नंबर 3, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लंबी और पॉइंटेड मतलब आगे से पॉइंट शेप की, ये उन परिंदों में पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, फूलों से रस चूसते हैं। मतलब ये बर्ड जो पॉइंटेड और लंबी होती हैं, ये फ्लावर के बीक में डीप जाने में हेल्प करती है बर्ड को, और वो बर्ड जो है वो उसका रस जो है वो चूसता है। जैसे हमारा हमिंग बर्ड, एक बहुत छोटा बर्ड होता है, ये फूलों से क्या करता है, रस लेता है, वो ही उसी पे फीड करता है। उसके बाद नंबर 4, कर्व बीक। जो कर्व बीक है ये उन परिंदों में पाई जाती है जो फ्रूट्स और नट्स पे फीड करते हैं। मतलब जो कर्व बीक है वो उन्हें उन नट्स और फ्रूट्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं ताकि अंदर से वो उसे खा सकें। ये और इसके अलावा ये उनको क्लाइंब करने में, पेड़ों पे क्लाइंब करने में भी हेल्प करती है, जो कर्व बीक होती है, आगे से वो कर्व होती है जिससे वो ग्रिप बना सकते हैं पेड़ों पे, और क्लाइंबिंग में भी हेल्प होती है। ये आमतौर पर पैरट में पाई जाती है, तोते में आपने देखा होगा कि जो तोता है उसकी बीक आगे से कर्व होती है। उसके बाद लास्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड और फ्लैट बीक जो है उन परिंदों में पाई जाती हैं जो आमतौर पे पानी में या मडी वाटर में फीड करते हैं। मतलब वो बीक जो होती है वो स्पून शेप की होती है, मतलब पीछे से पतली होगी, आगे से चौड़ी होगी, स्पून शेप की दिखती हैं। ये क्या करती हैं, उन बर्ड्स को जो अपना वो इंसेक्ट्स और वॉर्म जो मडी वाटर से उन्हें पाए जाते हैं उन्हें खाने में हेल्प करती हैं। कैसे, जब वो उसको पकड़ते हैं कीड़े या किसी जो पानी में मछलियाँ या कीड़ों को जब पकड़ते हैं तो उनके साइड पे होल्स होते हैं, उस बीक के साइड पे होल्स होते हैं। क्या होता है, जब वो लेते हैं अंदर तो मडी वाटर या कोई वाटर वो पानी में या जो मडी वाटर है उसमें वो जब कीड़े अंदर लेते हैं तो उस होल से क्या होता है, वो मडी वाटर बाहर चला जाता है, कीड़ा उनके मुंह के अंदर रह जाता है तो उसे खा लेते हैं।
और इसके अलावा स्पून बिल भी एक परिंदा है जो क्या खाता है, मछलियां खाता है, कीड़े जो पानी में पाए जाते हैं उसकी बीक भी स्पून शेप की होती है। आज के लिए इतना ही।